नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो हैं पुरुषोत्तम गोयल जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इनके साथ में आज चर्चा करेंगे रोहतक लोकसभा की। और रोहतक लोकसभा पे भी अगर बात करें तो बीजेपी के बारे में बात करेंगे, खास तौर पे जो बीजेपी के इतने कैंडिडेट हैं तो उनमें से किनको टिकट मिलनी चाहिए, या फिर अगर बात करें तो कौन जो कैंडिडेट है वो इनमें से सबसे हैवी कैंडिडेट हो सकता है, क्योंकि कुछ नाम जो हैं वो बार बार उछल रहे हैं, तो उन नामों में से कौन ऐसा नाम हो सकता है कि जो प्रभावी नाम हो सकता है। सर, सबसे पहले तो आपका स्टेट न्यूज हरियाणा में स्वागत है। सर, आप ये बताएं, धन्यवाद जी। बिल्कुल, जो आज के दिन की अगर बात करें, परिस्थितियों की बात करें, जो रोहतक लोकसभा है यहाँ से काफी नाम जो चर्चा में हैं, आपको भी पता होगा, जैसे कि बाबा बालकनाथ का नाम भी है, योगेश्वर दत्त का नाम भी है, और दो तीन नाम और भी हैं, और यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं उनका नाम भी, अरविंद शर्मा जी का नाम भी है। तो आपको क्या लगता है कि कहीं इनमें कोई जो बीजेपी सोच रही होगी उस हिसाब से आपको क्या लगता है कि कौन जो कैंडिडेट है वो प्रभावी होने वाला है? देखिए, वर्तमान में बीजेपी के सांसद हैं जी डॉक्टर अरविंद शर्मा, और डॉक्टर अरविंद शर्मा पहले भी सांसद रहे चुके, बिल्कुल अलग अलग क्षेत्रों से। तो हमारा तो ये है विचार कि बीजेपी अगर उनको दोबारा जी यहाँ से चुनाव लड़वाती है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा जी। और जहाँ तक नए नामों की चर्चा है, जैसे योगेश्वर दत्त खिलाड़ी हैं जी, रणवीर हुड्डा अभिनेता हैं, और बाबा बालकनाथ जो अलवर से सांसद रहे और आजकल राजस्थान में विधायक भी, लेकिन खिलाड़ी के नाते जी उनका एक अपना प्रभाव हो सकता है, लेकिन राजनीति में परंपरागत सीट पर बहुत समय से जी चुनाव लड़ते रहे हुड्डा परिवार, या कहें आज वर्तमान में इनको चुनौती देना बड़ा कठिन होगा, बिल्कुल योगेश्वर दत्त के लिए। इसी तरह अभिनेता का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है, और ठीक है वो उस दुनिया में उनका प्रभाव, उनका अभिनय के नाते जी, या कोई भी एक अच्छा इम्प्रेशन उन्होंने छोड़ा है जी, लेकिन राजनीति का फील्ड वही उनके लिए नया है। और तीन बार के सांसद, संभावना ये है कि रोहतक से हुड्डा परिवार से ही कोई न कोई व्यक्ति चुनाव लड़ेगा। अच्छा, चलो पहले इन्हीं पे बात कर लेते हैं। क्या इस बार जो बीजेपी है वो क्या जाट नॉन जेट का जो कार्ड है वो भी खेलने वाली है फिर दोबारा से, क्योंकि पिछली बार भी ये कार्ड खेला गया? पिछला जो रिकॉर्ड था बीजेपी का ये है कि उन्होंने पिछली बार भी इसी तरह से समीकरण बना रखे थे, हरियाणा में 10 सीटें हैं, 2 जाटों को, 3 ओबीसी को और 2 ब्राह्मणों को, बिल्कुल वाली, हाँ 2 अनुसूचित जातियों की सीटें, अनुसूचित ऐसी, तो इस ऐसे समीकरण बना के बीजेपी चलती रही है। तो अब उन समीकरणों में ये कहाँ क्या बदलाव करते हैं ये तो इनकी अपनी रणनीति होगी, लेकिन रोहतक में अगर मान लिया टक्कर देनी है तो हमारे ख्याल से, तो हमारा तो ये अनुमान है, ये लगता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा से बढ़िया उम्मीदवार। डॉक्टर अरविंद शर्मा एक ब्राह्मण चेहरा होने के नाते क्या कुछ और ज्यादा प्रभाव है, कास्टिज्म का भी है? देखो, कास्टिज्म का प्रभाव तो नेचुरली होता है जिस क्षेत्र में, मान लिया कई बार, अब जैसे हम यूज मान के चले जी कि हुड्डा जी का जो प्रभाव है एक विशेष वर्ग के ऊपर है जी, तो उसमें प्रभावित करने वाला व्यक्ति भी देखा जाता है कि भाई जो हुड्डा जी का समर्थक वर्ग है उसके अलावा दूसरों को कौन प्रभावित कर लेगा जी, ये मेन बात होती है। तो उसमें ये लगता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा की मैनेजमेंट पहले भी उनकी ठीक रही है, निर्दलीय चुनाव लड़े है, चुनाव लड़ने में सक्षमता भी देखी जाती है और प्रभाव भी देखा जाता है। तो मुझे ये लगता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा जी
और अगर बाबा बालकनाथ के बारे में चुनौती दे सकते, बाबा बालकनाथ के बारे में बात करें तो क्या वो कैंडिडेट हो सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो कितने प्रभावी रहेंगे? देखो, बाबा बालकनाथ का प्रभाव क्षेत्र बड़ा सीमित सा है रोहतक में। ठीक है, रोहतक मठ है, बाबा मस्तनाथ मठ के वो आजकल सर्वे सर्वा जी, और राजनीति में बीजेपी ने उनको उतारा है राजस्थान की राजनीति में जी, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा रोहतक में प्रभावी होंगे। लेकिन अगर इस बेल्ट को देखा जाए, हुड्डा अहिरवाल बेल्ट बोली जाती है, तो अहिरवाल बेल्ट में क्या उनके यादव होने का प्रभाव पड़ सकता है? नहीं, यहाँ मान लिया थोड़ा बहुत प्रभाव अगर एक हल्के को लगाए, उस भी हल्के में यादव वोटों का बाहुल्य है, अगर केवल इस हल्के के ऊपर ये मान के चले कि बाबा बालकनाथ उनको चुनौती दे जाएंगे, टक्कर दे जाएंगे या ओवरटेक कर जाएंगे हुड्डा परिवार को, बड़ा मुश्किल है। और अगर हुड्डा परिवार की बात करें तो हुड्डा परिवार में भी अगर दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ते या फिर उनकी जगह बड़े हुड्डा जो है वो चुनाव लड़ते तो कौन से प्रभाव रहेंगे? कोई भी लड़े, मान लिया दीपेंद्र को लड़ाएंगे तो भी हुड्डा जी ने मेहनत करनी है बड़े हुड्डा ने जी, और हुड्डा जी लड़ेंगे तो सारे परिवार ने मेहनत करनी है, वो तो बराबर कहानी जी। लेकिन एक जो राज्यसभा सीट है वो छोड़नी पड़ेगी, भाई राजनीति में ये छोड़ने और लेने वाली बात ये तो चलती रहती है जी। उनको जो उचित लगेगा, जैसे 1989 में चौधरी देवीलाल रोहतक से चुने गए थे लोकसभा में, और सीकर से भी चुने गए, उन्होंने रोहतक छोड़ दी जी, रोहतक छोड़ दी उन्होंने, और उसके बाद रोहतक ने उनको जो है ना कभी बनाया भाव नहीं दिया कभी। जब बीजेपी का गठबंधन हुआ 2000 में, जब कैप्टन इंदर सिंह बने थे जी गठबंधन से, वो तो बीजेपी का वोट बैंक शहरों में था और इनेलो से गठबंधन हो गया था, तो कैप्टन इंदर सिंह रहे जी, एक बार देवीलाल रहे, बाकी तो दो बार तो चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा रहे जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी जी, दो बार, चार बार खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे सांसद, तीन बार उनका बेटा रह गया, तो इनकी परंपरागत सीट है, इनको चुनौती देना बड़ा मतलब मजबूत कैंडिडेट हो, पक्का मैनेजर हो, वही दे सकता है अदरवाइज। तो अरविंद शर्मा जिस हिसाब से अब की बार जो अहिरवाल की बात करें, क्योंकि आपने अभी कहा कि यहाँ पे जो हुड्डा परिवार है उसका अच्छा खासा वोट बैंक भी है और लोग उनसे प्रभावित हैं, तो क्या अरविंद शर्मा अब की बार, पिछली बार वो चुनाव यहाँ से लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं, रिकॉर्ड मार्जिन से जीते थे यहाँ तकरीबन, लेकिन अब अगर फिलहाल की बात करें तो क्या हुड्डा जी का जो प्रभाव है वो बढ़ा होगा या कुछ कम हुआ होगा? देखो, इस हल्के की जहां तक बात है, ये हल्का बुद्धिमान लोगों का हल्का है जी, पढ़े लिखे लोग हैं, सॉफ्ट हैं और बड़ा उससे निर्णय लेते हैं सोच समझ के जी, तो इन लोगों ने देखना है भाई ऊपर मोदी जी बैठे हैं, क्योंकि संभावनाएं आज जी देश में फिर ये है कि मोदी जी आ रहे हैं दोबारा, बीजेपी आ रही है, तो विकल्प कोई नजर नहीं आता लोगों को, तो अगर ये लोग इस विकल्प को जी देखकर भी उनके कैंडिडेट चुनाव कर सकते हैं, करें इस हिसाब से, तो आप जो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि यहाँ से हुड्डा जी का प्रभाव कम करने वाले हैं, कई फैक्टर काम करेंगे ना, ठीक है हुड्डा जी का प्रभाव है, उनके समर्थक भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी फैक्टर या बीजेपी का केंद्र में आने का फैक्टर, संभावनाओं का फैक्टर वो भी काम करेगा। नहीं, क्या सिर्फ इसी हल्के की बात करें या फिर 8 हल्के और बचते हैं उनके अंदर भी मोदी जी का प्रभाव रहेगा? देखिए, मोदी जी का प्रभाव तो निश्चित रूप से रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है भाई, हुड्डा जी का समर्थक और हुड्डा जी का विरोधी वोटर है इस बेल्ट में, बाकी तो कोई नहीं ऐसा लगता, थोड़े बहुत वोट अगर कोई ले जाए तो ले जाए, नहीं तो ज्यादातर वोट दो ही कैंडिडेट में बटने हैं। जब चुनाव से कुछ दिन पहले अब चुनाव शुरू होने वाले, तो अभी जो नेताओं का दल बदलने का जो क्रम है वो जारी हो रही, इसी क्रम में जगदीश यादव जी को शामिल किया था भूपेंद्र हुड्डा जी की जो कांग्रेस पार्टी है उसमें, या फिर कहें कि दीपेंद्र हुड्डा के अब वो नजदीकी हो चुके हैं, तो क्या दीपेंद्र हुड्डा की वोटों पर इसका प्रभाव भी पड़ेगा? देखो, ये तो राजनेताओं की रणनीति होती है जी कि सबको शामिल करा दो ताकि वो
मिलके काम करे, रणनीति है। और चुनाव पहले होने हैं, विधानसभा से पहले होने हैं लोकसभा के चुनाव, तो पहले तो ये लोग हुड्डा जी के लिए काम करेंगे जी, भाई इसीलिए ये एक रणनीति के तहत मिलाया जाता है। अब जो मिलता है वो विधानसभा को भी ध्यान में रख के काम करता है, लेकिन अब किसको क्या आगे मिलने वाला है ये भविष्य के गर्भ में छिपा हो, तो ये तो रणनीति है कि सबको शामिल करा लो, जो आए उसको शामिल कराओ, काम तो करेंगे कम से कम, जो सभा का चुनाव होगा जब देखा जाएगा। ये राव साहब बेल्ट भी बोली जाती है, तो इसमें क्या जो यहाँ के एक दिग्गज नेता माने जाते हैं राव इंद्रजीत, तो उनका क्या इस सीट के ऊपर प्रभाव रहेगा कुछ? 100% रहेगा, दिग्गज क्या वो सर्वमान्य नेता है भाई इस बेल्ट के, इसमें क्या शक है। राव इंद्रजीत तो यहाँ के ये कहना चाहिए लोकप्रिय और लोगों के हृदय में बैठे हैं, उनका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा जी। और वो बीजेपी के लिए जब यूं कहेंगे बीजेपी को वोट देनी है, तो यहाँ का उनका जो समर्थक है उनको चाहने वाला है वो कहाँ जाएगा। लेकिन मैंने मैं अपनी अगर बात करूं, मैंने जो चीज नोटिस की है, जो राव साहब समर्थक हैं वो कुछ दिन पहले तक जो भारतीय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में उनके जो विचार थे वो अलग थे, और जो अब एम्स का उद्घाटन हुआ है उसके बाद से कुछ विचार बदले। तो ऐसा है, राजनीति में हर 6 महीने के बाद थोड़ा बहुत बदलाव लोगों की धारणा में आता है, हर 6 महीने में। मान लिया लोगों को लगता है कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, तो असंतोष हो जाता है जी। काम हो जाए उसके बाद कहते हैं वो ठीक है, मोदी जी भी ठीक है और राव साहब भी ठीक है जी, ये तो स्वाभाविक है। अब लोगों को लगता है कि हाँ भी मोदी जी ने ये काम कर दिया और राव साहब ने करा दिया, तो निश्चित रूप से अब वो कहाँ जाएंगे। लेकिन जो राव साहब अपने कुछ जो समर्थित नेता हैं उनके लिए भी टिकट की जो जिज्ञासा है या इच्छा है वो रखती है। देखो पहला चुनाव होना है लोकसभा का जी, विधानसभा का चुनाव बहुत बाद में होना। नहीं, मैं लोकसभा की बात करूँ। नहीं, लोकसभा में उनका समर्थक अगर महेंद्रगढ़ भिवानी सीट की हम बात करें, तो वहां से जो चौधरी धर्मवीर जी हैं उनके लिए भी वो देखो टिकट मांगते नजर आ रही है। महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र की स्थिति ये है जी कि 5 हलके भिवानी साइड में हैं और 4 हलके महेंद्रगढ़ साइड में जी, तो वहां जो बनने वाला है सांसद वो 5 हलकों का आदमी बनेगा जी, ये निश्चित है। और इस समय उन हलकों से 2 बार के सांसद धर्मवीर बैठे हैं, अगर वो छोड़ ही जाए तो अलग बात है, नहीं तो बीजेपी उनको टिकट देने वाली है, क्यों हटाएगी। बीजेपी का लक्ष्य 400 का है जी, वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी, चाहे उनको आप राव इंद्रजीत समर्थक कहो, उनके मित्र कहो, कुछ भी कहो। या बीजेपी नहीं समझती कि हमने 400 का टारगेट अगर पूरा करना है तो इस तरह की उखाड़ पछाड़ जो है सारे काम को बिगाड़ देगी जी, तो वो उनको टिकट देंगे, उनके मित्र भी हैं, तो राव इंद्रजीत भी उनके लिए प्रयास करेंगे 4 हलकों में और 5 हलकों तो क्या इसीलिए, क्योंकि ये मैं आपकी समझ की बात कर रहा हूँ, तो क्या इसीलिए क्योंकि जो भूपेंद्र यादव जी थे उनके कुछ अंदरूनी अगर बात कर लीजिए, या फिर बात कर लीजिए कि जो उनके समर्थक हैं या उनके लोग हैं, उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी, बकायदा ऑफिस तक तैयार करने शुरू कर दिए थे महेंद्रगढ़ के अंदर, तो क्या उनको भी वहाँ इसीलिए भेजा गया। समर्थकों का तो हमेशा ये रहा है कि वो थोड़ा सा किसी का भी वो अवसर देखते ही और झुंझुना बजाना शुरू करते थे जी, समर्थकों का था। लेकिन ये निर्णय पार्टी अपने लेवल पर करती है, अब उनको राजस्थान की राजनीति में उतारा है और लोग यहाँ के कयास लगा रहे थे, क्यों करेंगे भाई वो इसको खराब क्यों करेंगे। राव इंद्रजीत को उनके साथ चल रहे हैं 10 साल हो गए, कोई इरिटेशन नहीं किसी प्रकार की, इनको खराब करके उनको यहाँ बिठाएंगे, कोई मतलब उनको अपनी पार्टी का वो खराब करना है माहौल जी। बाकायदा उनको बड़े सम्मान के साथ वहाँ की राजनीति में उतारे और बन के आएंगे, देखना आप जी बन के आएंगे निश्चित रूप से। तो उनका तो समर्थकों की बात मत करो, तो जिनका जिससे जुड़ा हुआ तार उनके ढोल बजाने शुरू कर। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन बीजेपी की एक सहयोगी पार्टी भी हरियाणा के अंदर जेजेपी जसपा, तो
तो क्या लगता है इनको टिकट दे देना चाहिए का नहीं? देखो जेजेपी का कोई अभी लोकसभा का कोई उसमें हिस्सेदारी नहीं है, अभी तक नहीं है। लेकिन कहीं ये लगा कि कोई ऐसे समीकरण बनाने हैं कि इनको लोकसभा में भी कोई हिस्सेदारी देनी है तो दे देगी बीजेपी, वो उनका अपना अंदाजा है, आप और हम क्या कर सकते हैं। नहीं वो बात ठीक है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं जो अगर टिकट दे भी दिया जाता है तो भविष्य की अगर बात करें विधानसभा चुनाव के अंदर तो उस पर भी उसका कोई प्रभाव पड़ सकता है। वो काल्पनिक जो प्रश्न है ना, जैसे उनके आप और हम कोई जवाब नहीं दे सकते, उसका उत्तर हो ही नहीं सकता जी। काल्पनिक चीजों का वो पार्टी को देखना है भाई, किन को हिस्सेदारी देनी है लोकसभा में, किसको नहीं देनी है और आगे क्या प्रभाव पड़ेगा वो भुगतेंगे। अगर कोई विपरीत पड़ता है तो भी उन लोगों को फेस करना है, और सकारात्मक है तो उनके फायदे में जाएगा जी। तो ये आप और हम कोई इसके ऊपर अनुमान नहीं फेंक सकते उनके पार्टी के, क्यों फिलहाल उनकी हिस्सेदारी नहीं है लोकसभा में हरियाणा से। अगर हिस्सेदारी हो तो फिर तो हम बात कर सकते हैं उससे क्या असर विपरीत या जी मतलब सकारात्मक असर पड़ेगा। वो एक्चुअल में क्या है कि जब यहाँ पे एम्स के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी आए थे तो उस समय पे भी एन वक्त पे या कहें कि लास्ट टाइम पे दुष्यंत चौटाला जी को वहाँ पे आमंत्रित किया गया। देखो बीजेपी एक प्रोटोकॉल का पालन करने वाली पार्टी है, तो अब देखा भी होगा लोगों ने, आप मीडिया ने भी देखा, अपने मित्रों ने सब ने देखा है कि वहाँ बड़ी लिमिटेड सीट्स थी मंच पर, और डिप्टी सीएम प्रोटोकॉल में आता है, सीएम के साथ ही होता है, अगर सीएम कहीं नहीं है तो वही सीएम होता है, तो उस प्रोटोकॉल के नाते उनको सम्मान देना था तो देना चाहिए, उसमें क्या रज है, किसी को सम्मान देने में क्या रज है। और फिर वो प्रोटोकॉल के नाते उसका बनता भी है, तो उसके कोई कयास नहीं लगाए जा सकते। और बीजेपी का मान लिया अब किस किस को सम्मान दे दिया, देखो पीछे बीजेपी ने नरसिम्हा राव को दिया है, अभी भारत रत्न दिया है ना जी, तो वो तो प्राइम मिनिस्टर तो वो कांग्रेस के रहे, सम्मान इन्होंने दिया जी, और उसके बावजूद दिया है, जब बीजेपी की चार सरकारें नरसिम्हा राव जी ने ही बर्खास्त की थी जिस बाबरी मस्जिद टूटी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर रोहतक लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे अगर, क्योंकि मैं पहले अगर बोल रहा हूँ, अगर बीजेपी कोई जाट चेहरा लेके आती है क्या बीजेपी की भूल होगी? देखो रोहतक का जाट चेहरा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार, ये रोहतक वाले और किसी को जाट मानेंगे नहीं जी। ये निश्चित है, बहुत बड़ी बात, ये और किसी को जाट नहीं मानेंगे, चाहे मतलब किसी को ले आए बीजेपी, इनको हराना बड़ा मुश्किल हो। मतलब आपकी नजर में आज भी अगर कोई नेता बीजेपी का है तो अरविंद शर्मा है जो इनको हरा सकता है या टक्कर दे सकता है? भाई ये जाट को ले आए, मान लिया आपका माँ आप अगर की बात करते हो, अगर जाट को ले आए तो रोहतक वाले जाट को जाट नहीं मानेंगे जी, वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार को ही जाट मानेंगे। किसी जमाने में चौधरी देवीलाल को जाट मानते थे, हरियाणा का जाट लीडर चौधरी देवीलाल होते जी, इनकी गिनती नहीं आती थी, ये कांग्रेस के लीडर थे, इनके पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, और हरियाणा के जाट चौधरी देवीलाल को जाट नेता मानते थे, लेकिन 10 सालों में वो जाट लीडरशिप बदल के चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पे ताज आ गया है जाट लीडरशिप का, और किसी को नहीं मानेंगे, जैसे धनखड़ को ले आओ, चाहे भाई योगेश्वर दत्त को ले आओ, योगेश्वर दत्त को शायद ब्राह्मण है, और रणबीर हुड्डा को ले आओ या और कोई हुड्डा अलावत राठी कोई भी ले आओ, किसी को ले आओ, ये रोहतक के जाट एक ही को अपना नेता मानते। अच्छा कृष्ण मूर्ति हुड्डा जो आए बीजेपी में, क्या उनका कोई थोड़ा बहुत प्रभाव रहेगा या फिर वैसे ही? देखो कृष्ण मूर्ति हुड्डा का प्रभाव बड़ा सीमित रहा है रोहतक में, और कृष्णमूर्ति हुड्डा ने की राजनीति चौधरी भजनलाल के साथ, भजनलाल के साथ रहे जी कृष्णमूर्ति हुड्डा, वही रणनीति होती है पार्टियों की, जो रणनीति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस हल्के में अपना रखी है, वही
इसको भी आने दो, उसको भी आने दो, इसको भी आने दो, वही रणनीति होती है। मान लिया आपने मतलब हवा बनाना, अगर हवा नहीं, अरे आपने शामिल कर लिया तो एक विरोधी तो गया जी, वरना वो किसका विरोध करेगा? बीजेपी का करेगा जी। और आपने शामिल कर लिया तो विरोध भी खत्म। तो ये रणनीति होती है, और उस रणनीति में ये लगता है पार्टी को कि ये आदमी लंबा चलने वाला है, तो उसको कहीं ना कहीं सेट कर देंगे। बहुत से लोगों को बीजेपी ने ऐसे सेट किया है। आरिफ मोहम्मद खान कांग्रेस की तोप रहे, रहे कि नहीं रहे ये देखो आप। और 1984 में जब ये तीन तलाक का इशू राजीव गांधी कोर्ट के आदेश को राजीव गांधी ने पलटा, तो आरिफ मोहम्मद खान उसके विरोध में बिल्कुल थे, छोड़ गए। और आजकल बीजेपी के राज्यपाल गए, बीजेपी के राज्यपाल नहीं उनकी उस विचार को सम्मान दिया बीजेपी ने, उनको राज्यपाल बना दिया जी। और वो बड़ा टैलेंटेड केस है, बहुत विद्वान आदमी है, कई भाषाओं का जानकार और बहुत सी किताब में कुरान क्या, हदीस क्या और बाइबल क्या, सब संस्कृत भी जानते हैं, पढ़ने वाला है, गीता महाभारत रामायण बहुत एक तरह से लर्नेड पर्सन है। अब उसकी टैलेंट का इस्तेमाल क्यों ना करे बीजेपी, इतना विद्वान आदमी और ये नहीं कर पाई कांग्रेस, नहीं कर पाई। तो नीति होती है भाई, किसी पार्टियों की अपनी अपनी नीति है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंटरव्यू में आने के लिए और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, और आपके दर्शकों का भी जी, हमें अवसर मिला। तो पुरुषोत्तम गोयल जी जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, इन्होंने लोकसभा के ऊपर और खास तौर पे अगर बात करें रोहतक लोकसभा की, तो इसके ऊपर अपने विचार रखे हैं कि सामने अगर हुड्डा परिवार हो तो उनके सामने कौन प्रभावी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो यहाँ के जाट हैं वो हुड्डा परिवार को ही जाट मानेंगे, बाकी किसी को जाट मानेंगे नहीं। लेकिन आप लोगों के विचार इसके ऊपर क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हैं कि आप किसको प्रभावी नेता मानते हैं, क्या आप किसी दूसरे को मानते हैं, या फिर आप भी अरविंद शर्मा जी को ही मानते हैं कि वो टक्कर दे सकते हैं या चुनाव लड़वाना चाहिए या फिर जीत की तरफ भी उनके कदम हो सकते हैं, आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। नीट IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस, हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास, मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे।